पाक फौज के जवानों का जलजला जदा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरीन में खाने पीने की अशिया और इमदादी सामान की तरसील। पाक फौज के डॉक्टर्स भी मुतासरीन का इलाज मुआवजा करने में मसरूफ। वजीर आजम इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का इजहार अफसोस। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी, गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी, बिलावल भुट्टो जरदारी का रिएक्शन। कहा पंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद एहतसाब से बचना चाहती है। सिलेक्टेड हुकूमत, वजीर आजम, उनके खानदान और दोस्तों के एहतसाब से इस्तिस्ना और अपोजिशन को निशाना बनाना चाहती है। नैब हुकूमती करप्शन पर सवाल नहीं कर सकता। तेल, बिजली, गैस, चीनी, आटा महंगा होने पर नहीं पूछ सकता। हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ बोले, पिछले तीन साल में करप्शन बढ़ गई, हुकूमती स्कैंडल्स की कोई तफ्तीश नहीं कर रहा। एहसन इकबाल कहते हैं, अदालती निजाम काले कवानीन मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देता। नैब ऑर्डिनेंस पर बहस कराई जाए, ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। चेयरमैन नैब की तकरीरी पर मुशावरत नहीं की जा रही, मुशावरत ना होना गैर आइनी है, रिक्वेजिशन का मतन। ये फैसला किया गया है कि जो बुनियादी मकसद है नैब का, यानी एक ऐसा इदारा जो हुकूमत के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं सियासतदान, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके। तरमीमी ऑर्डिनेंस नैब को असल मकसद की तरफ ले जाने की कोशिश है। ऐसा इदारा होना चाहिए जो हुकूमती फैसलों पर चेक एंड बैलेंस रखे, सियासतदानों पर भी नजर रख सके। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। इमरान खान हालिया अहम फैसलों पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत का 22 अक्टूबर को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला। स्पीकर असद कैसर और बाबर आवान की मुलाकात में इजलास बुलाने पर इत्तफाक। सियासी और अस्करी क्यादत की अहम बैठक कल लगेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, दाखिला, खारजा, दिफा, खजाना के वज़रा भी शिरकत करेंगे। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर गौर होगा। सऊदी अरब के अबा एयरपोर्ट पर हूसी बागियों का ड्रोन हमला, सऊदी इत्तेहाद फौज ने ड्रोन फजा में तबाह कर दिया। मलबा गिरने से एयरपोर्ट के चार मुलाजमीन जख्मी। जाम कमाल के इकतदार की नाव हिचकोले खाने लगी। तीन वजीर, चार मुशीर, दो पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफी। इस्तीफा देने वालों में अब्दुर्रहमान खेतरान, असद बलोच, जहूर बलेदी, बुशरा रेंद और दीगर शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के मशवरे पर जाम कमाल का इस्तीफा देने का फैसला। करीबी साथियों से मुशावरत। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी एविएशन डिवीजन का इजलास। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तजा और रुकन कमेटी सायरा बानो के माबैन तक जुमलों का तबादला। आयशा गौस पाशा की बिल्स की कॉपी बर वक्त न मिलने की शिकायत। लाहौर हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल और दीगर मिल्स को चीनी की जखीरा अंदोजी से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को शुगर मिल से गैर कानूनी तौर पर चीनी का स्टॉक न उठाने का हुक्म। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 171 रुपए पर पहुंच गया। 5 माह में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 72 पैसे महंगा हो चुका। आलमी बैंक का पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने का मशवरा। पाकिस्तान को रवा माली साल मालियाती मसाइल का सामना रहेगा। दरामदात बढ़ने और तेल की कीमतों में इजाफे से करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। मौशी नमू 3.4% रहने का इम्कान। आलमी बैंक की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से रिपोर्ट। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी के अख्तियार वजीर खजाना को मिल गया। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इजलास।
यूटिलिटी स्टोर्स के लिए गंदम की फराहमी जारी रखने की मंजूरी। कोरोना की मकामी तशखीसी मशीनों पर टैक्स और ड्यूटी की छूट देने का फैसला मुखर। पंजाब में कॉलेज असातजा पर मीडिया प्रोग्राम्स में शिरकत, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। कॉलेज असातजा की सोशल मीडिया का इस्तेमाल और मीडिया प्रोग्राम्स में शमूलियत सिविल सर्विसेज कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। असातजा वेबसाइट पर ब्लॉग्स भी नहीं लिख सकेंगे। DPI कॉलेजेस का मरासला। ख्वाजा सराओं के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत, नारोवा के अस्पताल में अलग वार्ड बन गया। अद्वियात, सर्जरी और दीगर तिबी सहूलियात मिलेंगी। सारे वर्ल्ड कप का है जी, इंशाल्लाह देखें, मगर ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का स्पेशल मैच होता है। वज़ीर आज़म को बतौर क्रिकेटर पसंद करते हो कि बतौर वज़ीर आज़म? दोनों। पाकिस्तान ने सबकी मदद की, हमारी मदद को कोई नहीं आया। वर्ल्ड क्रिकेट में पैसा बोलता है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ केस नहीं कर सकते। चेयरमैन PCB रमीज राजा की कायमा कमेटी बैनर सुबाई को ब्रीफिंग। मीडिया में गुफ्तगू में इमरान खान और व्योन रिचर्ड को पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया। आजाद कश्मीर का बाहिम्मत नौजवान माजूरी को शिकस्त दे दी। FSC का तालिब इल्म आदिल रियाज दूसरों के लिए मिसाल बन गया। रोजाना 30 किलोमीटर सफर करके कॉलेज जाता है, पांव से लिखता और खाता।